केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। नीदरलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ बाजी मारी। ये दोनों ही मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए। हमेशा चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद ग्राउंड स्टाफ को समय देकर सभी का ध्यान खींचा। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को एक खास तोहफा दिया जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। पाकिस्तान ने अपने शुरुआती दो मैच भी इसी ग्राउंड पर खेले। इसके बाद 6 अक्टूबर को पाकिस्तान ने खेले अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड को हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में 10 अक्टूबर को श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी बनाया। लगातार दूसरी जीत के बाद बाबर आजम ने हैदराबाद के ग्राउंड स्टाफ पर आभार जताया और गिफ्ट में अपनी मैच जर्सी दी। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ियों के हैदराबाद के ग्राउंड स्टाफ के साथ तस्वीर क्लिक कराई। श्रीलंका की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट पर 344 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और टीम ने 37 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद रिजवान और शफीक ने तीसरे विकेट के लिए 176 रन की साझेदारी करके पाकिस्तान टीम की मैच में वापसी कराई। रिजवान ने 121 गेंद में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 131 की पारी खेली। तो वहीं करियर का पहला शतक जड़ने वाले शफीक ने 103 गेंद में 113 रन बनाए। हालांकि टीम को अब अपना अगला मैच भारत के खिलाफ खेलना है। ये मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अभी तक भारत से एक बार भी नहीं जीत सकी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।